आज मैं वेजिटेबल चाउमीन बनाने जा रही हूँ। वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम उबला हुआ नूडल, 5 कली लहसुन बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 गाजर लंबे कटे हुए, 1 शिमला मिर्च बारीक लंबी कटी हुई, 1 कटोरी बारीक लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 छोटा चम्मच चाउमीन मसाला, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 2 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस और नमक स्वाद अनुसार। आइए हम वेजिटेबल चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसको गैस में रख के गर्म कर ली हूँ और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी। इसे हल्का फ्राई करूंगी और अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई में रखा है। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी। और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दूंगी। और अच्छी तरह से इसे फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम सारी सब्जियां जो है डाल देंगे। गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। इसे मैंने हल्का फ्राई कर लिया है, करीब 5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है। देखिए सब्जियां हल्की नरम हो चुकी है। अब इसमें मैं नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी और अच्छी तरह से मिला लूंगी। साथ ही इसमें चाउमीन मसाला पाउडर, इसे भी मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इसमें नूडल डालूंगी और अच्छी तरह से मिला लूंगी और गैस का फ्लेम अभी हम स्लो कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि सारी सब्जियां और मसाले आपस में मिल जाएं। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस डालूंगी, इसे भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालूंगी
और अच्छी तरह से इसे भी मिला लूंगी। अब ये हमारे सारे मसाले, सॉस, ये सब इसमें अच्छी तरह से मिल चुका है और इसे हम और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और लास्ट में हम इसमें 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई में रख लेते हैं ताकि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए और नूडल अलग अलग अच्छे से बने, एक साथ चिपके नहीं। अब ये हमारे वेज नूडल तैयार हो चुके हैं। हम गैस बंद कर देते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लास्ट में हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।